किसको मारा जाएगा, ये कौन सा प्रसाद? मैं आप सबसे भी चाहे किसी जात धर्म के लोग हों, मैं सबसे कहता हूं कि इस पर विचार कीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी की आस्था पर प्रहार करें। जिन लोगों ने भी ऐसी टिप्पणियां की मैं उनके साथ नहीं, और ये ठीक बात नहीं है। हमने भी 33 वर्षों पे मंचों पर बहुत बोला है, रोज रात बोला है, टेलीविजन पे भी 5 साल बहस की है, शाम 5 बजे बैठ जाते थे, रात 11 बजे उठते थे अर्णब का शो करके। इनसे भी बहस की है, उनसे भी बहस की है, और एक समय ऐसा आया था दोनों से बहस की है, और लास्ट में राजनीति में आ गए, तो फिर जिसे बनाया उससे ही बहस करी। ठीक क्या है, लेकिन भाषा की, कहने की, सुनने की एक मर्यादा रखी। क्योंकि फिर कह रहा हूं गुजरात वालों, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, जरा हाथ खोलकर बैठो कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप क्यों किसी के आराध्य पर टिप्पणी करते हैं, आप क्यों किसी के विपरीत बोलते हैं? लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया है तो देश में कानून है, उसके अंतर्गत प्रतिक्रिया होगी, काम होगा। ये कौन लोग हैं जो देश का कानून हाथ में लेते हैं? तो ऐसे जलते हुए वक्त पर, जब देश चुनौतियों से जूझ रहा है, अंदर और बाहर की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब आज इस मंच पर खड़े होकर हमारे कविगण भी और आप भी, देश को शर्म का नहीं गर्व का अवसर है। हमारी टिप्पणियों से, आपकी तालियों से वो वातावरण पैदा हो कि इसकी वीडियो कोई भारतीय सुने या भारत का विरोधी सुने, तो उसका विरोध भी प्रेम में परिवर्तित हो जाए और कहे कि देश तो अच्छा है, कभी तो अच्छी बात करते हैं, जनता तो अच्छी बात सुनती है।